सी स्टैंडर्ड। चाय दादा चाय भाई आ जाइए, चाय दादा चाय। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई YouTube चैनल। मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली कैसी है? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज अभी हम लोग रहमान बाबा में सफ़र कर रहे हैं, रहमान बाबा 48 DNA। और अभी मैं आपको विज़िट करवा रही हूँ AC स्टैंडर्ड वाला कोच। और अभी ये वाले में काफ़ी ज़्यादा रश थी इस कोच में। वैसे इकनॉमिक और AC स्टैंडर्ड में सिर्फ ये के बीच में दरवाज़ा होता है और आपकी लोअर AC चलती है, तो पीछे काफ़ी रश था और उससे बेहतर मुझे ये वाला AC स्टैंडर्ड कोच कंफर्टेबल लगा था। ये बहुत सही लग रहा था, इसमें ज़्यादा रश भी नहीं थी और उनके बर्थ वगैरह भी इनके अच्छे थे। और यहाँ पे है हल्की हल्की सी कूलिंग थी। तो इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं जी इकनॉमिक क्लास में। और अब है जी इकनॉमिक, नहीं है मेरे इकनॉमिक। तो जी ट्रेन का हॉर्न बज चुका था इसलिए मैं वापस ट्रेन में आ गई थी, क्योंकि फिर अंदर ही अंदर से आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जी अब हम लोग रोड़ी स्टेशन से निकल चुके हैं और यहाँ पे ये पत्थर बिल्कुल वाइट जबल की पहाड़ देखें आप, बिल्कुल वाइट सफ़ेद सा पहाड़ है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था व्यू, मैंने कहा थोड़ा सा ये भी कैच ओवर कर लेती हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना ना ये तो पत्थर है, कब्रिस्तान है। चावल का और कुछ होगा था, लकड़ी चढ़ाकर फिर से बना रहे हैं। इधर सारे खजूर के दरख्त लगे हुए हैं और सैलाब का पानी अभी तक खड़ा हुआ है। बोला था अभी तक खड़ा हुआ है, अभी जल्दी दूर दूर तक सैलाब का पानी अभी तक खड़ा हुआ है। नवाब शाहपुर अभी हम लोग नवाबशाह क्रॉस कर रहे हैं और अभी हम लोग नवाबशाह से निकल चुके हैं। अब देखते हैं हैदराबाद कितनी देर में हमें पहुंचाती है ट्रेन। तो जी अभी हम लोग हैदराबाद पहुंच चुके हैं, वैसे तो 2 घंटे लगते हैं लेकिन ट्रेन लेट हो रही थी तो हमें 2.5-3 घंटे लेट हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग हैदराबाद अभी पहुंच चुके हैं। अब कराची हमें कितना टाइम लगेगा पहुँचाएगी, 2 घंटे या 3 घंटे, वो जब पहुँचेंगे तब पता चलेगा। इंजन पर इधर खाली इंजन ही है। तो जी अब हम सिंधु दरिया के ऊपर से गुजरेंगे क्योंकि तो ये सिंधु दरिया आ गया है। अब हम लोग सिंधु दरिया के ऊपर से सफर कर रहे हैं। ये था सिंधु दरिया का हमने पास पानी दे जमपीर की हवाई चक्कियां हैं जिससे बिजली पैदा होती है।
ये बहुत सारे यूनिट उधर लग गए हुए हैं, तकरीबन 1200 मेगावाट कह रहे हैं कि बिजली पैदा होती है इनसे। पूरी बड़ी लाइन लगी हुई है, एक यूनिट और भी बहुत सारे यूनिट हैं इधर, जगह जगह पे लगे हुए हैं। ये एयर कॉरिडोर कहते हैं इसको, ठट्टा से लेकर थर्ड तक ये एयर कॉरिडोर कहते हैं इसे, इससे बिजली पैदा होती है, इसे साफ सुथरी बिजली। खीरथर का पहाड़ी सिलसिला है जो कराची से शुरू होता है, ठट्टा सेवन दादू लाड़काना तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा है ये खीरथर का पहाड़ी सिलसिला। ये सुबह डूब रहा है रेड वाला, हाँ कॉरिडोर शुरू हुआ है, एयर कॉरिडोर कॉरिडोर भी था, ये दूसरा कॉरिडोर पंचकियाँ लगी हुई है बहुत सारी, इतनी दूर दूर जंपीर कहते हैं, जंपीर एयर कॉरिडोर। ये वाली जो घूम रहे वो इतनी दूर तक है, उतरने के उतरना है, उतरने की तैयारी हो गई आप लोगों की है। और अब ये ट्रेन वापस जा रही है कराची स्टेशन, हम लोग उतरे हैं लांडी, लांडी पे रुक गई थी, बाय बाय ट्रेन। मुंदा सरफ आओ, हाथ दो मुझे, देखो हम पुल पर भी चढ़ गए, ट्रेन अभी तक जा रही है। हम लोग स्टेशन से बाहर आ चुके हैं और हस्बैंड गए हैं टैक्सी लेने, हम लोग वेट करें। और यहाँ पे अभी ये दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है, लेकिन पता नहीं इसका अभी कौन सी ट्रेन जा रही है। तो जी अब हमारी टैक्सी आ गई, अब हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। और जी यहाँ पे अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कायदाबाद, जो कि आपको पता है कायदाबाद में इतना ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो आगे काफ़ी रश है। तो ये है कि ट्रैफिक में हम बहुत देर फंस गए थे, उसके बाद क्योंकि रात को तो वैसे भी ट्रैफिक कायदाबाद में बहुत ज़्यादा होती है, तो इतनी मुश्किल से हम लोगों ने कायदाबाद से यहाँ से क्रॉसिंग हो रही है हमारी टैक्सी। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।